इसमें हमने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है जो ना 30 से 40 किलोमीटर एक बैटरी चार्ज करे तो फिर चलती है। आई ब्लिंक सेंसर। अच्छा आई ब्लिंक सेंसर, क्या होगा इससे, क्या होगा इसे, ये रोड एक्सीडेंट कम होंगे। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर डोर लॉक है, इसको हम तीन चार जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉकर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और डोर के अंदर भी, और स्कूल बैग कॉलेज बैग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने बनाया 360 टायर ड्रेशन व्हीकल बनाई है। अच्छा, ये स्टीयरिंग सिस्टम का एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जो गाड़ी को हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी, वर्टिकल भी मूव करेगी। हमने फायर अलार्म सिस्टम बनाया। फायर अलार्म किसको डिटेक्ट करके ये बजेगा? ये स्मोक को डिटेक्ट करके बजेगा। सोचा है कि एक स्मार्ट सिटी के अंदर होना क्या चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए ना हमें, कि जो वहाँ पे रेजिडेंशियल लोग हैं उनको टाइम कम। और हमने बाजार से कबाड़ से एक बाइक ली है, उसके बाद उसका इंजन उतार के साइड पर कर दिया, लाहौर गए हैं मोटर ढूंढिया, डीसी मोटर लेके आए हैं, उसके साथ दो बैटरीज लगाई हैं 12 वाट की, एक 55 एम्पीयर की थी, एक 65 एम्पीयर की थी। सर ये सीएनसी पेन प्लॉटर कंप्यूटर कंट्रोलिंग मशीन है, ये हम इधर से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, सिंपल हमने एक पेंसिल लगाई है, ठीक है, उसके जरिए हम ये बना रहे हैं। सर इसमें बेसिक ये है कि बेसिक नॉर्मल ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन बैटरी से सपोर्ट करती है, बैटरी लगाई सब कुछ ऑन हो गया, तो इसमें ये सिस्टम नहीं है कि बैटरी लगाई सब कुछ ऑन होगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें लगाया हमने फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी सेंसर। अच्छा ठीक, इसमें ये है अगर हम बैटरी की सप्लाई करेंगे, फिंगरप्रिंट लगाएंगे, हर चीज ऑपरेट करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन इस टाइम हम मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पैरिस रोड के अंदर, और यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़े ही यूनिक और बड़े ही कमाल के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो इसकी पूरी एग्जीबिशन है प्रोजेक्ट्स की वो आपको दिखाएंगे। तो आइए फिर आपको लेके चलते हैं एग्जीबिशन की तरफ। नाज़रीन राणा मोहम्मद शबीर प्रिंसिपल जीसीटी कॉलेज अभी हमारे साथ मौजूद है, और इन्होंने ये सारे जो बच्चों ने एग्जीबिशन लगाई है, सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो विजिट भी किए। आइए इनसे पूछते हैं क्या ख्याल है आपके। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मौका दिया कि हमारे इन बच्चों के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिसको हमने आज ये जो इवेंट हो रहा है इसका नाम है टेप्टा टेक्नो विजन 2022। तो ये सिलसिले में हमने हमारे जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, इन्होंने जो भी यहाँ पे वर्किंग की है, अब थर्ड ईयर में आके प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक नया आइडिया इनोवेशन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया है। हम आवाम को, हम यहाँ सियालकोट के वासियों को मुख्तलिफ फोरमों पर बताना चाह रहे हैं कि हमारे ये बच्चे टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत महारत भी रखते हैं और इनका विजन भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे मैट्रिक साइंस करने के बाद, मेरा पैगाम है कि तमाम वालदैन मैट्रिक साइंस करने के बाद बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आए, उनको हमारे यहाँ पे 5 मुख्तलिफ शोबों में डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की क्लासें हो रही हैं, तो यहाँ पे बच्चों को कराएं, ये FSC प्री इंजीनियरिंग के भी बराबर है, और इसके बाद बच्चा BSc इंजीनियरिंग, BS टेक्नोलॉजी या किसी और डिसिप्लिन में BS वगैरह भी जो है वो कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असाज़ा ने बड़ी मेहनत की है और हमारे इन बच्चों ने भी बड़ी कावज की है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार करके मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लिए कि वो आएँ और हमारी काविशों को जो है वो देखें, और CEO एजुकेशन आए, इस तरह चैम्बर के और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से बंदे आ रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह सराह रहे हैं, और हर साल हम ये एग्जीबिशन जो है वो मुनक्कद करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा ये क्या बनाया आपने, जरा एक्सप्लेन करिएगा। सर हमने गाड़ी का टोटल इलेक्ट्रिक सिस्टम बनाया है, जैसे फ्रंट लाइट्स होगी, इंडिकेटर्स हो गया, हॉर्न हो गए, डिफरेंट स्विचेस है, इन्हीं चीजों के बैक लाइट ठीक हो गया। ठीक है, अब हमने गाड़ी का बना दिया, टोटल इलेक्ट्रिक सिस्टम बना लिया ना, अब ये कोई भी बंदा उठ के बना सकता है। हमने इसमें इजाफी चीजें ऐड किया, सिक्योरिटी सिस्टम इसका, फिंगरप्रिंट ऐड किया। ठीक है, अब हम इसको जब तक बैटरी की सप्लाई दे देते हैं ना, ये चीजें ऑन हो नहीं सकती, क्योंकि हमने सिक्योरिटी साथ अटैच किया फिंगरप्रिंट वाली। ठीक है, फिंगरप्रिंट इस टाइम 4 बंदों के ऑलरेडी ऐड किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैन, 4 बंदों के। इसमें हमने माइक्रो USB लगाई है कि इसमें 100 अबव बंदों के ना फिंगरप्रिंट ऐड किए जा सकते हैं स्टोरेज चीज की। अच्छा, अब बैटरी की सप्लाई देते हैं तो ये चीजें ऑन नहीं होंगी। सही, मैं लगाऊंगा फिंगरप्रिंट तब ये सारी चीजें ऑन होंगी। सही, यानी आपने बेसिकली एक सिक्योरिटी इलेक्ट्रिक बनाया। जी सर, सही गाड़ी का। तो आप दोनों ने मिलकर बनाया? चार लोग, चार लोगों ने। सही क्या हमारे सर है, इसमें बेसिक ये है कि बेसिक नॉर्मल ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन बैटरी से सपोर्ट करती है, बैटरी लगाई सब कुछ ऑन हो गया, तो इसमें ये सिस्टम नहीं है कि बैटरी लगाई सब कुछ ऑन होगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें लगाया हमने फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी सेंसर। अच्छा ठीक, इसमें ये है अगर हम बैटरी की सप्लाई करेंगे, फिंगरप्रिंट लगाएंगे,
हर चीज ऑपरेट करेगी। अगर हम प्रैक्टिकली आपको दिखा दें, बेसिकली ये है कि ये आपका एक सिक्योरिटी सिस्टम है। हाँ जी, इन फ्यूचर का हम इसमें और भी एडवांस चीजें ला सकते हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ साइड विंडोज वगैरह में सिक्योरिटी, इसके बाद सेंसर ला सकते हैं, हर एक मुख्तलिफ चीजों का आइडिया कहाँ से लिया, सीखा कहाँ से आपने, ये हमारे सर हैं। सर ने कुछ एक्सप्लेन किया, कुछ हमने बाहर जाकर मार्केट में देखा है, ये चीज कम ही गाड़ियों में आई है ना, कम गाड़ियों में आई है। क्या बनाया, ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है रूम लाइट कंट्रोल ऑटोमेशन, इसको हम मैनुअल भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, मोबाइल फोन के जरिए भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हमने मैनुअली लाइट्स ऑन की हैं, अभी हम इनको मोबाइल के जरिए ऑफ कर देंगे। वेरी गुड यार, तो ये प्रोग्राम किया सारा जी, ये सारी ये आपकी टीम है? जी जी, ये हमारी टीम है इलेक्ट्रिकल की। सही है, तो ये आप किसी भी रूम के अंदर सेटअप कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। एक दफा जरा मोबाइल से चला के दिखाएं सारी चीजें। ये देखिए, अभी मैंने मोबाइल से ऑन कर दी, मोबाइल से ऑन किया, इधर से भी ऑफ हो जाएगी, अभी इधर से ऑफ है और इधर से ऑन कर ले। अगर आप शहर आ गए ना सिटी में, तो ये घर की लाइटें ऑन ऑफ है, तो आप शहर बैठ के घर की लाइटें ऑन ऑफ कर लेंगे। नाजरीन, अभी हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने बाइक की जो सारी बॉडी है वो 70 वाली बाजार से खरीद के इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक सारी की सारी जो है वो लगा और इलेक्ट्रिक मोटर बाइक इसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये जरा बताएं क्या किया आपने? हमने बाजार से कबाड़ से एक बाइक ली है, उसके बाद उसका इंजन उतार के साइड पकड़ दिया है, लाहौर गए हैं, मोटर ढूंढी है, डीसी मोटर लेके आए हैं, उसके साथ दो बैटरीज लगाई हैं 12 वाट की, एक 55 एम्पीयर की थी, एक 65 एम्पीयर की थी। अच्छा जी, वो लगाई है, फिर उसकी वजह से चल रही है। हम मोटर गियर वाली लेके आए थे, उसको नीचे गेयर लग गया, गरारी लगी हुई है, वो चैन सिस्टम के साथ चल रही है। सही है। चलो यार, ये कितना खर्चा आ गया आपका टोटल इस पर? तकरीबन 75,000 जी। यार ये क्या बना दिया, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपका ही है। जी बिल्कुल भाई, ये इस एग्जीबिशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है जो हमने बनाई है। इसका तकरीबन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर्पज़ से हमने जो है ना इंस्पायर होकर ये मशीन तैयार की है। ये हमारा इसमें तकरीबन रॉ मटेरियल जो है ना वो प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और रबर भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ पार्ट्स, बच्चों के खिलौने, मोबाइल पाउच वगैरह तैयार कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी प्लास्टिक का तैयार हो सकता है? कुछ भी, बड़े से बड़ी चीज़ जो है, जैसे क्रॉकरी हमारी इस्तेमाल हो रही है प्लास्टिक, वो इसमें प्लास्टिक हो सकती है उसकी, कुछ भी आप तैयार कर सकते हैं प्लास्टिक। ये प्रिंटर बनाया है, क्या चीज़ है, ज़रा एक्सप्लेन करें। सर ये CNC पेन प्लॉटर कंप्यूटर कंट्रोलिंग मशीन है, ये हम इधर से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, सिंपल हमने एक पेंसिल लगाई है, ठीक है, उसके जरिए हम ये बना रहे हैं। इसमें फाइल में जो भी हम लिखेंगे ना, जो ना देगी, ठीक है। ये कैंडल का सॉफ्टवेयर है, और सिंपल आपने एक पेंसिल लगाई है, कोई इसमें इंक वगैरह कोई कुछ नहीं यूज हो रहा है? नहीं, पेंसिल में जो इंक है वो यूज हो रही है, लेकिन ये कहने का मकसद है ये है कि हमने सिंपल ये पेंसिल लगाई हुई है, बकाया ये 10 रुपए वाली पेंसिल लगाई है, और काम हैवी कर रही है। अच्छा जी, चलिए जबरदस्त डोर लॉक बना दिया आपने। ये फिंगर स्कैनर डोर लॉक है, इसको हम 3-4 जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉकर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और डोर के अंदर भी, और स्कूल बैग, कॉलेज बैग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉकर अनलॉक करके दिखाएं जरा इसे। ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। वेरी गुड, बंद करें आप। ये 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अच्छा, 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हमें जो मेन चीज़ किया है, इसके अंदर बैटरी के अंदर की है, बैटरी के अंदर बैटरी लगाई है इसकी। सही, बैटरी 12 वोल्ट के ऊपर, और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चला सकते हैं इसको दोनों के, और दूसरा अगर हम इसको एक और जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांक के अंदर भी जो है। ठीक है, और दूसरा जो है ना, हमने तो कीमत इसके पास जो है ना कम की है, इसका अगर आप हमारे थोड़े से स्पोर्ट मिले तो हम इसको और कम कास्ट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बनाने हो तो थोड़ी सी कास्ट हो जाएगी इसकी। यार ये कौन सी डस्टबिन बना दी आपने? ये ट्रैश सेंसर डस्टबिन बनाई है हमने, स्मार्ट डस्टबिन है। सही है, बताएं इसके बारे में, क्या इसके फंक्शन है, क्या और ये बनाई क्यों है, डस्टबिन क्यों बना दी है? ये डस्टबिन बनाने का हमारा मेन मकसद ये था कि हम हॉस्पिटल यूज़ में ये जो अक्सर ये नीडल्स वगैरह या टेस्टिंग के बाद कोई भी गार्बेज होता है, उस गार्बेज को ये हाथ लगाते हैं, फिर वो ट्रैश लेने वाले आते हैं, उनके हाथ लगते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, क्योंकि वो उनके दोनों के ब्लड वगैरह वो सैंपल एक दूसरे को टच होते हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। ये हमारा बनाने का मेन मकसद ये है, इसमें भी दो को टच किए हुए, ये गार्बेज को डिटेक्ट करेगा, इस सेंसर इसका जो है ये देखें, ये डिटेक्ट करेगा इसमें, यानी खुद ब खुद जो है ये डस्टबिन ओपन हो जाएगी और फिर बाद में खुद ब खुद बंद हो जाएगी। जी, ये डस्टबिन खुद ही अपने 1.5 फीट की रेंज में कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है कोई भी आएगी, ये उसे डिटेक्ट करेगा, ये उसके बाद ये वो जो इसमें आप गार्बेज डालेंगे ये खुद ही बंद हो जाएगी, ना इसको बंद करने के लिए आपको हाथ लगाना पड़ेगा ना इसको ओपन करना। अस्सलाम वालेकुम,
सर हमने ये अकॉस्टिक लेविटेटर बनाया है, ठीक है, जो कि एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट है, ठीक है, ग्रेविटी के अंगेंस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लेविटेट कर सकते हैं इसमें। ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ऑब्जेक्ट्स को हवा में लेविटेट किया हुआ है इसमें, ठीक है। बेसिकली ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। कैंसर के ड्रॉप्स जो है ना, इसमें लेविटेट किए जाते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से उनकी डेंसिटी मेजर की जाती है, और जितनी ज़्यादा वो डेंसर होते हैं उनकी मेडिसिन बनाना उतना ही इम्पॉसिबल है, और जितने कम डेंसर होंगे उनकी मेडिसिन तैयार करना उतना ही आसान है, ठीक है। और सबसे पहले तो देखा जाए कि एक एंटी ग्रेविटी बनाना, ग्रेविटी के अगेंस्ट बनाना किसी भी हवा को, ऑब्जेक्ट को लेविटेट करना, इट्स वे टू मच इम्पॉसिबल। और हमने ये अकॉस्टिक लेविटेटर बेसिकली मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाई है। क्या बनाया आपने? जी भाई, ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर कैसे करेगा ये? ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट खुद बहुत चल जाएंगी? ये खुद बहुत चल जाएगी जब अंधेरा होगा, जब शाम का थोड़ा सा अंधेरा ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए, जब सुबह की रोशनी होगी तो ये खुद बहुत ऑफ हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई स्पेशल ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसका बिजली से ज़्यादा होगा, मतलब कि बिजली से ज़्यादा ठीक है, यानी बिजली की बचत हो जाएगी इससे? हो जाएगी, और ना ही इसके लिए कोई ऑपरेटर की जरूरत होगी, उसको सैलरी देने के लिए खुद बहुत ठीक है। वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा आपका प्रोजेक्ट है। क्या बनाया ये? ये हमारा सोलर स्मार्ट फार्म हाउस। क्या होगा इसमें, बताएं जरा? इसमें ये होगा कि इसमें जो इसकी एनर्जी खुद ही जनरेट करेगा, उसके अलावा अगर आप फार्म हाउस में नहीं है, किसी दूसरे सिटी या किसी दूसरे कंट्री में है, तो आप कहीं से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, पौधों को पानी दे सकते हैं, वहाँ से बैठ के आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मोबाइल से भी आप ऑपरेट करेंगे? जी, मोबाइल से भी आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं। चलिए दिखाएं। टर्न ऑन वाटर पंप। अच्छा, आपने गूगल के साथ इसको कनेक्ट किया? जी जी, वेरी गुड यार, वो ऑन हो गया। तो उसके साथ कोई आपने कोई स्मार्ट फोन लगा है उसके साथ? क्या? नहीं नहीं, उसके साथ एक डिवाइस लगी हुई है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अच्छा, ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ वाटर पंप। वेरी गुड यार। और ये मैनुअल भी हो सकता है? ठीक। लाइट्स भी हैं इसमें, टर्न ऑन रूम लाइट्स, वो लाइट्स भी हैं। क्या बनाया ये आपने सारा? ये हमने बनाया 360 टायर रोटेशन व्हीकल बनाई है। अच्छा, ये स्टीयरिंग सिस्टम का एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जो गाड़ी को हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी, वर्टिकल भी मूव करेगी। अच्छा। पाकिस्तान में कुछ ऐसा गलियों की इशू की वजह से या घर जैसा हम बनाते हैं वो गलियां तंग होती हैं, या घर की कमी की जगह की कमी की वजह से घर छोटे से बनते हैं, वहाँ गाड़ी पार्क नहीं हो सकती। गली में से गाड़ी गुजर तो जाती है लेकिन पार्क नहीं कर सकते हम। वो गाड़ी हम ऐसे जा रही है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल गाड़ी ऐसे जा रही है, लेकिन हमें इसे ऐसे करके मुश्किल होगा। लेकिन जब हम इसे ये सिस्टम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के जिसके सियालकोट से निकलेगा ये मॉडल, ये गाड़ी इस तरह से जाएगी और इस तरह से इसके अंदर चली जाएगी। वेरी गुड यार। अच्छा, ये जो हमारी अब गाड़ियाँ हैं इनमें 5 गियर आ रहे हैं, जो क्रोला स्विक अल्टस वगैरह है इनमें 5 गियर आ रहे हैं, मैरान वगैरह में 4 है, फ्रंट के 1 बैक का है। लेकिन जब ये गाड़ी इंशाल्लाह मुतारफ़ करवाएंगे, ये सिस्टम हम मुतारफ़ करवाएंगे कि बैक गियर ख़त्म कर दिया जाएगा, ये 5 के 5 गियर या 4 के 4 गियर ये बैक भी इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ये इस तरह का मैकेनिज्म हमने तैयार किया है। होप करते हैं हम कि ये सारा जो है वो आप इसमें कामयाब हो सके। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनाद यार, आपने तो बड़ी शानदार स्कूटर बना दी है, बताएं जरा इसके बारे में। हमने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है जो ना 30 से 40 किलोमीटर एक बैटरी चार्ज करे तो फिर चलती है। हाँ। तो इसमे ये है कि बूढ़े जो हो जाते हैं वो चला लेते हैं इसे आराम से, और इसमें एक फीचर ये है कि चैन एडजस्टर, जब चैन लूज़ हो जाता है तो टाइट करवाना पड़ता है, इसमें हमने चैन एडजस्टर लगा दिया, वो चैन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। खुद आप चला के आ रहे हैं कॉलेज के, खुद किस पे आ रहे हैं? खुद तो मैं बाइक पे आ रहा हूँ, ये इसमें बनाई है ना, इसी वजह से हम इसे बाहर नहीं लेके जा सके। सही है। ये क्या बना दिया भाई जान, कोई मजे की चीज़ लग रही है? ये हमने सीएनसी वुड एंग्रेविंग मशीन बनाई है, यहाँ हम लैपटॉप पे कंप्यूटर के ऊपर जो भी इसे ड्राइंग देंगे ना वो यहाँ पे हमें परफॉर्म करेगी। ये हम वुड के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी किसी भी किस्म के हम बना सकते हैं। सही है। ये काम बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। इसके ऊपर कॉस्ट जो आई है वो मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार रुपया है। यह हम अगर मार्केट में सेल करनी हो इसे हम बना के खुद भी सेल कर सकते हैं। ये मशीन काफ़ी कारगर साबित होगी। कोई भी डिज़ाइन आप कंप्यूटर से देंगे, प्रोग्राम करके ये उसको डिज़ाइन कर देगा? जी बिल्कुल, ये उसे बना देगी। क्या बनाया यार ये? भाई ये स्पॉट वेल्डिंग है, इसे दूसरे लफ्ज़ों में इंजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं। अच्छा जी, क्या काम, क्या मकसद क्या इसका? इसका मकसद ये है कि जो शीट मेटल होती है ना, यानी कि जिसकी मोटाई कम होती है, उसे वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो आम आर्क वेल्ड से नहीं होता वेल्ड, क्योंकि वो जल जाता है, इस वजह से इसके जरिए वेल्ड करते हैं। हमने डिपार्टमेंट ऑफ सिविल ब्लॉक में
सिविल के ही आप स्टूडेंट हैं जी, तो ये किसकी मदद से ये पूरा मैप बनाया आपने कॉलेज पूरे का? यस सर, नहीं आपने डिपार्टमेंट का बनाया कॉलेज का सिविल का बस। तो कैसे बनाया आपने? ये शीट से बनाया। चले थैंक यू वेरी मच। बनाया है ये हमने वुड और गत्ते से बनाया है, ठीक है। इसका मेन मकसद है कि सियालकोट में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। आजकल सियालकोट में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या बनाया आपने सारा? ये हमने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, क्या क्या इसमें सारी जो आपने मैप एक बनाया? ये हमने एक मैप एक चीज़ इसको डेवलप करने के लिए सोचा है कि एक स्मार्ट सिटी के अंदर होना क्या चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए ना हमें कि जो वहाँ पे रेजिडेंशियल लोग हैं उनको टाइम कम और हर चीज़ मुहैया होती जाए। जैसे ए हब हमने एच एंड एवरीथिंग इधर प्रोवाइड किया है, बट फर्दर हम इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। वहाँ अंडर पास आ सकता है, इसमें फ्लाई ओवर आ सकता है, मार्केट मॉल वगैरह, और टाइम के साथ साथ अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट है। ये हमने मतलब कि ये न्यू है, कोई ऐसा वैसा देखा नहीं है, जैसे हमने अपनी तरफ से अपना माइंड है। ये क्या बनाया आपने? ग्रास कटर बनाया है, इसमें हमने पेपर मोटर लगाई है, भी लगाई है और डायरेक्ट करंट भी दे सकते हैं। जब लाइट चली जाएगी ना तो ये बैटरी पे खुद हो जाएगी, यानी बिल्कुल सादा आपने लेके उसको बिजली से पे भी कर दिया है और लाइट पे भी कर दिया, बिजली के बगैर भी चलेगा बैटरी पे। इंक्यूबेटर बनाया आपने? जी सर। बताएं जरा क्या खासियत है इसकी? इसमें सर ये फुली ऑटोमेटिक कंट्रोलर है, इसमें हमने एग रख देने हैं, 21 दिन के बाद इसने खुद ही कंट्रोल करना है, टेम्परेचर वगैरह मूवमेंट खुद ही कंट्रोल करना है। 21 दिन के बाद इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 21 दिन के बाद बच्चे निकाल लेंगे? जी इंशाल्लाह। ये हम इस पे हमने ना एक एक्सपेरिमेंट कर दिया हुआ है। अच्छा। तो हमने 21 एग रखे थे इसके अंदर, तो तकरीबन 16 बच्चे जो है ना इसमें से निकले। सही है। क्या बना दिया? ये ब्लूटूथ हेलमेट बनाया हमने, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए। सोलर प्लेट लगाई है, सोलर से भी चार्ज हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज हो सकता है। चार्जिंग की जरूरत क्यों है? चार्जिंग की जरूरत इसको इसलिए है कि इसके अंदर हमने स्पीकर्स लगाए हुए हैं, इससे आप कॉल भी सुन सकते हैं। लिथियम बैटरी है, उसको एनर्जी को स्टोर करके इससे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। सही है। आपने जो कहा एक्सीडेंट कम होंगे, कॉल सुनेंगे तो एक्सीडेंट तो ज्यादा हो जाएंगे। मैं बताता हूँ ना, देखें जब आप बाइक चला रहे होते हैं रोड पे जा रहे हैं, आप मोबाइल जेब में से निकाल के आपका ध्यान इस तरफ हो जाता है, सही है। तो ध्यान इस तरफ होता है तो आपका एक्सीडेंट होने के खतरे ज़्यादा है। हेलमेट आपने पहना होगा, स्पीकर इसके अंदर लगे, आप घर से निकलें, कॉल कनेक्ट कर लें ब्लूटूथ के साथ, विद इन 2-3 सेकंड जैसे ही कॉल आएगी कनेक्ट हो जाएगी, आपका हाथ भी सीधा रहेगा, ध्यान सीधा रहेगा इससे रोड पे। क्या बनाया आपने? ये फिंगरप्रिंट डोर लॉक है सर। क्या मतलब फिंगरप्रिंट डोर लॉक बाजार में पड़े हैं? ये सर फिंगरप्रिंट डोर लॉक है, इसमें जो से बाजार में है वो बेसिकली इस्तेमाल हो रहे हैं, जो सी आपकी तिजोरियां वगैरह, ये आम पर्पज़ के लिए घरेलू यूज़ के लिए ये हमने इसलिए ये चेंज है थोड़ा उससे। सही है। तो कितने इसमें फिंगरप्रिंट? इसमें सर जिस तरह आपके मोबाइल में होता है रोम लगे होते हैं, इसमें भी आप रोम कनेक्ट कर लें, बेशक आप 150 के साथ फिंगर वो सेंसर काम कर लें। ये मोबाइल के साथ अटैच है कि? नहीं नहीं, ये मोबाइल के साथ बिल्कुल अटैच नहीं है। इसके अंदर ये देखें पूरा इसका सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ये आर्डिनो नैनो वगैरह इसके अंदर लगी हुई है, एक सेंसर इसका अंदर लगा होता है, एक सेंसर इसका बाहर वाली साइड पर लगा होता है, और बाकी ये सारा अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। आपने आना है सिर्फ फिंगरप्रिंट अपना अप्लाई करना है और दरवाज़ा अपने आप। क्या बना दिया यार ये आपने? ये हमने आई ब्लिंक सेंसर बनाया है। एक्चुअली आई ब्लिंक सेंसर। अच्छा, आई ब्लिंक सेंसर क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे ये रोड एक्सीडेंट कम होंगे। एक्चुअली रात के टाइम जब ड्राइवर ड्राइविंग करता है अक्सर सो जाते हैं, जिसकी वजह से हादसा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया है, ये जब रात को ड्राइविंग करेंगे ये इसका सेंसर सेंस करेगा, जब वो सोएंगे तो बजल बजेगी तो वो अलर्ट हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है। खुद बनाया सारा ये? जी खुद बनाया। हमने फायर अलार्म सिस्टम बनाया। फायर अलार्म किसको डिटेक्ट करके ये बजेगा? ये स्मोक को डिटेक्ट करके बजेगा। जी जी, जैसे ही स्मोक डिटेक्ट होगा ये बजर बजना शुरू हो जाएगा और अलर्ट के तौर पे वो रेड इंडिकेशन लाइट जलना शुरू हो जाएगा। हर घर में एक एक सेंसर लगा हुआ है। अच्छा, ये तीन घर बनाए हैं, तीनों पे एक एक सेंसर लगा हुआ है। सही सही। तो अभी ये बंद कैसे होगा? जैसे ही स्मोक खत्म होगा ये खुद ही खुद बहुत बंद हो जाएगा। ये क्या प्रोजेक्ट है? ये 4-stroke पेट्रोल इंजन है और इसके कटिंग का मकसद ये है कि इसके ये वर्किंग शो होती है कि इंजन के अंदर कैसे मूवमेंट होती है, पिस्टन कैसे वर्क करता है, ब्रेकिंग का स्टॉप होता है, फ्लाईव्हील किसे बोलते हैं और कैमशाफ्ट किसे बोलते हैं, स्लाइडर किसे बोलते हैं और इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व किसे बोलते हैं। इससे हमें ये कटिंग का मकसद ये था कि ये पर्पस हमें आसानी से समझ आ सके और कलर मुख्तलिफ कलर इसीलिए किए गए हैं कि ये हमें मुख्तलिफ पार्ट्स आसानी से समझ आ सके। ये 4-stroke इंजन है जो कि सर हमें प्रोजेक्ट में समझाते थे कि ये फर्स्ट ईयर के जो बच्चे अभी आएंगे ना ये उनके लिए हमने बनाया है। मतलब कि ये जो 4-stroke इंजन है ये 4 stroke इसमें चलती है, इंटेक पावर कंप्रेशर और एग्जॉस्ट है, और ये उनके लिए बनाया गया। ये सर हम उनके लिए ना आसानी है कि ये उन्हें अच्छी तरह समझा सकेंगे। ये खुद बनाया, पीसीस मंगवाए हैं कराची से, मेरा कजन था तो उससे पीसीस मंगवा के तो ये उससे बनवाया है। ये इंटेक इंटेक खुलेगा
उसके बाद ये जब ऊपर जाएगा तो ये कंप्रेशर होती है, बाद में पावर हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। ये सिस्टम जो है ये मतलब ये तकरीबन पैसों से उसे पीस रूम है सारे जो अकेले मतलब के बना दी हुई है। मेरा ये प्रोजेक्ट है रोबोटिक आर्म, रोबोटिक आर्म है जैसा कि इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह। मैं कुछ स्टेप रिकॉर्ड करवाता हूँ तो देखिएगा कि मूवमेंट करेगा। अब मैंने चंद स्टेप रिकॉर्ड करवाया, मैं प्ले मोड पे इसे करता हूँ जी। ये मैंने खुद सारा बनाया, इस पर 20,000 तकरीबन कॉस्ट आ गया हमारी। ये स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम है, इसका काम ये है कि ये ज़मीन के टेम्परेचर को सेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर कम हो गया ज़मीन का तो ये खुद ब खुद के सेंसर लगे हुए इसके अंदर का, जिससे ये ज़मीन का टेम्परेचर नॉर्मल करेगा। भैया हाइपरलूप एक ऐसा मॉडल है जिसको 2013 में एलन मस्क ने एक्सप्लेन किया था, जिसका ये प्रोटोटाइप मॉडल है। ये दुनिया का 500 सबसे बेहतरीन जो रियल ट्रांसपोर्टेशन है ये वो है, जिसके लिए ऐसे हम हवा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको ऐड करके वो अपनी गाड़ी को तेज स्पिन कर सकते हैं। इसके जरिए से जो पैसेंजर्स हैं और गुड्स हैं ना, यानी सामान वगैरह, वो आसानी से जा सकता है भाई। इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा भाई, और वैक्यूम क्रिएट करके इसको आगे भेज देता है। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्रेंड्स बनाई है, जो क्या काम किया इसका? ये टेम्पर लगा, टेम्पर के लिए काम आती है। ये भाईजान हमने इलेक्ट्रिक फ्रेंडस बनाई है, जो कि हम बाहर से अगर इंपोर्ट करें तो हमें बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है। ये हमने खुद ही डिज़ाइन की है और इधर ही मैन्युफैक्चर टोटली हमने इधर ही बनाई हुई है। ये काम क्या होता है इसका? इसका काम ये है कि ये किसी भी मेटल को ना, जो 700 डिग्री तक मेटल जो है ना उसको जो है ना टेम्पर लगा उसको हार्ड करता है जी। ये भाई ने सलामी गोल लगाई हुई है हमने, जो कि इसके अंदर जो हीट होती है इसको बाहर नहीं जाने देती, जैसे कि ये शीट लगी हुई है इनको उसने हार्ड नहीं होने देना, गर्म नहीं होने देता। और ये हमने लगाया है थर्मोकोपल पर, जो कि मैं टेम्परेचर बताता है इसके अंदर कितना है। ये भाई जान ये टेम्परेचर कंट्रोल पड़ा हुआ है, इसका पैनल बना हुआ है टोटल, ये टेम्परेचर को लगा हुआ है। ये इसको हमने इसको सेट करना है 150 डिग्री पे, हमने गर्म इतना टेम्परेचर चाहिए तो हमने सेट कर देना है। जब इसका टेम्परेचर होना है ना 150, इसे ऑटोमेटिकली उधर स्टॉप हो जाना है। एक्चुअली मैकेनिकल डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद अशरफ साहब, सारे जो सारे प्रोजेक्ट्स बने वो इनकी जेरे निगरानी बने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। तो सर ज़रा बताइएगा इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कि कितने टोटल प्रोजेक्ट्स हैं और क्या आप समझते हैं? माशाल्लाह हमारे तकरीबन ये 45 के करीब प्रोजेक्ट हैं जो टेक्निकल हैं, और हम टेक्नोलॉजी से चूँकि रिलेटेड हैं, और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो डीजल और इसी तरह, ये हम सब ने मिल के थर्ड ईयर के खुशी तौर पे जो स्टूडेंट हैं हमारे कोर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोर्स में ऐड कर दिया गया है कि बच्चों से मुख्तलिफ किस्म के ये नए आइडिया के मुताबिक प्रोजेक्ट हर साल बनवाएं।